देश के जाने माने 500 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत तमाम प्रमुख नाम शामिल है। इन वकीलों ने चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि यह समूह राजनीतिक एजेंडा के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे राजनीतिक चेहरों से जुड़े केसों में यह हथकंडे जाहिर तौर पर दिखते हैं। ऐसे मामलों में अदालती फैसलों को प्रभावित करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के प्रयास सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ खास समूह कथित तौर पर झूठे नैरेटिव गढ़कर न्यायपालिका के कामकाज की गलत छवि पेश करना चाहते हैं। ये समूह इस वक्त की अदालतों की तुलना कोर्ट के एक कथित स्वर्णिम युग से करते हैं ताकि न्यायिक फैसलों को प्रभावित किया जा सके। वही प्रमुख वकीलों के सीजेआई को लिखे पत्र पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि मौजूदा सीजेआई बहुत मजबूत और विद्वान व्यक्ति हैं। वह किसी दबाव में नहीं आएंगे, वह स्वतंत्र सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने न्यायपालिका को आगे बढ़ाया है और इसे अच्छी प्रतिष्ठा दिलाई है। उनकी टीम के सभी न्यायाधीश बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सोशल मीडिया से प्रभावित होंगे या किसी पात्र के माध्यम से किसी दबाव में आएंगे। सीजेआई हमारे अभी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही वो लर्नेड आदमी है। उनको ऐसे वैसे चिट्ठियों से और ऐसे वैसे दबाव में वो आने वाले नहीं हैं। वो बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग के आदमी हैं और उन्होंने जुडिशरी को जितना आगे बढ़ाया है, जितना बढ़िया नाम दिया है पूरे वर्ल्ड में, आज की तारीख में हमारी जुडिशरी बहुत आगे है। हमारे ऑनरेबल सारे जजेज उनके टीम के जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ऐसे सोशल मीडिया के प्रभाव से या किसी दबाव पे हमारे सीजेआई आएंगे।